जल्दी से समझ लेते हैं फटाफट से। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम किस पे बात करने वाले हैं, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, और साथ में डिजिटल आइडिया वो साथ में रहेगा कि हमारा डिजिटल आइडिया क्या होगा, आज उसको कैसे प्रेजेंट करना होगा, कैसे उसको एनकैश कर सकते हैं, और क्या ऐसा करेंगे जिससे कि हम कुछ अलग दिखने शुरू हो जाएंगे। तो वो सब आपको आज मिलेगा, और उसके बाद हम 5-10 मिनट डिस्कस भी करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, सारी चीज़ों के बारे में गाइड करूंगा, और कुछ वो चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको पता है उसके बारे में भी आपको समझाने बताने की कोशिश करूंगा। ग्रेट ग्रेट, सभी को मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है? किसी को कोई ऐसा कंसर्न आ रहा है तो प्लीज़ अभी बताएं। एनीबडी एनी चैलेंज, मेरा वॉइस वीडियो कोई कंसर्न हो किसी को भी चैट बॉक्स में डालें। इफ ऑल क्लियर तो प्लीज मेंशन क्लियर। थैंक यू दादू जी, ग्रेट। आप लोगों के साथ मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से इसको देख के बताइए कि ये पीपीटी भी आप सभी को क्लियरली नजर आ रहा है कि नहीं। ये बहुत ही स्पेशल प्लान है जिसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने रखने की, और मैं कहता हूँ ये प्लान अगर आपने बेच लिया ना तो पैसे की कमी नहीं रहने वाली है, ना आपके पास ना आपके कस्टमर के पास। बस बेचने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही बेचना होगा। अगर आप इसमें अपना कोई दिमाग लगाएंगे, अपनी कोई वर्किंग करेंगे, तो आई एम सॉरी, फिर ये प्लान वैसे नहीं बिकेगा जैसे बिकना बिकना चाहिए। सभी को मेरा पीपीटी क्लियरली दिख रहा है? कोई भी चैलेंज है तो अभी बता दीजिए। वॉइस वीडियो आपने क्लियर कर दिया, तो पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने समय निकाला, टाइम निकाल के इस चीज को सीखने के लिए आए हैं। आज मैं आपको ई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि लोगों के माइंड में जो प्रॉपर्टी घुसा हुआ है वो इंश्योरेंस से दूर भागते हैं और बोलते हैं कि हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। इंश्योरेंस में रिटर्न नहीं आता, शेयर मार्केट में रिटर्न आता है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न आता है, लोग ऐसे बोलते हैं, एफडी में रिटर्न आता है, लेकिन हम इंश्योरेंस में पैसा नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पर रिटर्न नहीं आता है। तो वो बहुत बड़ा मिथ आप लोगों का दूर करने वाला हूँ, आपके कस्टमर्स का दूर करने वाला हूँ, और उनको बेचना सिखाना शुरू कर रहा हूँ। आप अगर इंश्योरेंस कह के कोई चीज़ बेचेंगे नहीं बिकेगा, लेकिन जब आप डिफरेंट तरीके से ई प्रॉपर्टी करके कोई चीज़ बेचेंगे तो सब कुछ बिकेगा। कैसे बिकेगा वो भी सिखाऊंगा। जल्दी से पहले फटाफट से समझ लेते हैं। वेलकम टू टाटा एआई, ये आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टाटा एआई का जो स्पेशल प्लान है जिसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं, और 21 सालों का ट्रस्ट है टाटा का, ये अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट थिंग है कि अपना 21 साल, अभी 12 तारीख को 22 साल हो जाएंगे, 22 ईयर्स हो जाएंगे। 12 फरवरी को कंपनी स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर लाइफ इंश्योरेंस की, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं टाटा ग्रुप वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप है। किसी भी तरह का कोई क्लेम या कोई फेक चीज़ें टाटा ग्रुप प्रोवाइड नहीं करता है। नमक से लेके सैटेलाइट तक हर चीज़ के अंदर टाटा अवेलेबल है, ये बहुत बड़ी बात है, और हर ब्रांड को उसने बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रखा है। सर पहले देख लीजिए पीपीटी, तो बात की बात है, पहले समझ लीजिए सारी चीज़ें, सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिकली कि जो हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशो है, जब भी हम किसी को बताएं समझाएं, जब लास्ट में क्लोजिंग करेंगे तो इस चीज को दिखाना जरूरी है। ये शुरू में नहीं दिखाना, लास्ट में दिखाना है। मैं आपको शुरू में दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्लान सिखाना है पहले आपको। 17-18 में 98% का हमारा क्लेम रेशो है, 18-19 में 99.07% और 19-20 में 99.06% का क्लेम रेशो है, जो अपने आप में बहुत अमेजिंग है, बहुत बढ़िया है। इंटरेस्ट रेट्स आप सभी को मैंने पहले भी बताया है, 91 में एफडी के इंटरेस्ट रेट हुआ करते थे 15% के, 2001 में 12% के, 2011 में 9%, हर 10-10 साल में 3-3% कम होते चले गए, 2021 में 6% और 2031 में अप्रॉक्सीमेटली 3% आ जाएगा, और 2041 में ये 0% भी रह सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है जो पिछला ट्रैक चलता आ रहा है उसके बेसिस पे। तो बाहर के देशों की बात कर लें, इंडिया से बाहर की, तो वहाँ रेशो बहुत ही बुरी हालत में, ओनली 0.1% इंटरेस्ट मिलता है ऑस्ट्रेलिया में एक साल में एफडी का, कनाडा में 0.25% मिलता है, जापान में देना पड़ता है, अगर बैंक में आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख रखेंगे तो वहाँ चार्ज लगेगा 0.-0.1%, स्विट्जरलैंड भी चार्ज लगता है -0.75%, ये पैसा पे करना पड़ेगा आपको बैंक में रखने के लिए, और यूनाइटेड स्टेट्स में 0.25% इंटरेस्ट मिलेगा, ओनली 0.25, जो कि बहुत ही कम है। तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त स्कोप है, जो इंडिया में कस्टमर्स हैं जिनके पास अच्छा पैसा है उनके लिए भी, और जो NRI हमारे पास कस्टमर्स हैं उनके लिए भी, जिस प्लान के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ
इसके ऊपर बहुत बड़ी वर्किंग निकल के आती है और बहुत बड़ा पैसा आप लोग अर्न कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बाद में प्लान के ऊपर आता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बाद में प्लान पे आऊंगा, पहले बड़ा समझाता हूँ फिर छोटा बताता हूँ, ठीक है? पहले बड़ा प्लान बताऊंगा, हो सकता है कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन पहले बड़ा बताऊंगा उसके बाद छोटे पे आऊंगा, ये सब आपको बाद में बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बता रहा यहाँ पे मैं। सीधा बड़े पे आता हूँ पहले। सबसे पहले विला बेचते हैं आज हम लोग, एक विला सेल करते हैं, और एक विला सेल के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन फटाफट से दूंगा, फिर बैकवर्ड आऊंगा। यस, आज मुझे कोई 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी खरीदना है, विला खरीदना है, ठीक है? तो मुझे क्या करना होगा, मैं उस पर कस्टमर के सामने 1-to-1 डिस्कशन कर रहा हूँ। आप मेरे सामने कस्टमर हैं और मैं आपको ई प्रॉपर्टी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने के लिए लेके आया हूँ और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जितने भी लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं उनको सारी कैलकुलेशन टिप्स में होती है, ये बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ आपको, उन्हें सारी कैलकुलेशन टिप्स में होती है, आपको भी होनी चाहिए। चाहे आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, चाहे आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, या कोई भी काम करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन आपको भी पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक पे ही बात करूंगा। फॉर एग्जांपल, आज 1 करोड़ रुपए की कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, माइंडसेट कि ये लेनी कैसे है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी वर्सेस ई प्रॉपर्टी को मैं यहाँ कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा ये जेन्युइन है, सही है, तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले कोई भी पॉलिसी आप, कोई भी प्रॉपर्टी आप इन्वेस्ट करने की सोचोगे तो इनिशियली 1 करोड़ रुपए की अगर प्रॉपर्टी है तो उसका 20% डाउन पेमेंट मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। ये बेसिक है, कोई भी प्रॉपर्टी ले लो आप, चाहे 1 करोड़ की हो, 10 लाख की हो, 50 लाख की हो, 25 लाख की हो, या 5 करोड़ की हो, ये बेसिक है। 20% डाउन पेमेंट सब जगह रिक्वायर्ड होती है, आपको देना पड़ेगा। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 20 लाख रुपए पहले पे करना पड़ेगा, देन लोन हो जाएगा, बाकी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन हो जाएगा, 80% लोन हो जाता है। अगर मैं 80 लाख रुपए का लोन कराऊंगा तो अगले महीने से ही उसका EMI शुरू हो जाएगा और ये लोन मेरा 20 साल तक चलेगा। कम से कम 7 से 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और ये 20 साल तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। EMI अगले महीने से ही शुरू हो जाएगी। अगर 80 लाख रुपए का लोन है, 80 लाख रुपए का अगर मैं लोन लेता हूँ तो मेरे EMI जो जाएगी 70 से 75 हज़ार रुपये जाएगी, कम से कम 80 हज़ार रुपये भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये रफली कैलकुलेशन है। रजिस्ट्री, जब भी मैं कोई भी प्रॉपर्टी लूंगा तो 7 से 8% रजिस्ट्री का खर्चा मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा। वो किस अमाउंट पे लगेगा, 1 करोड़ रुपए के ऊपर लगेगा, तो 8 लाख रुपए मेरा रजिस्ट्री में भी लगेगा। कोई ब्रोकरेज अगर मैंने किसी ब्रोकर के थ्रू ये प्रॉपर्टी ली है तो 1% का उसका ब्रोकरेज का एक्सपेंस भी मुझे पे करना पड़ेगा, कम से कम 1 लाख रुपए ये भी देना पड़ेगा। कोई रेंट, जब मैं उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेता हूँ, हो सकता है वो प्रॉपर्टी रेडी हो, 6 महीने में मिल जाए, 1 साल में मिल जाए, 2 साल में मिल जाए, 3 साल में मिल जाए, जब भी वो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी और मैं खुद नहीं रहता हूँ तो मैं उसको रेंट आउट कर सकता हूँ। यस और नो चैट बॉक्स में डालते रहिएगा, मैं आपसे जो कनेक्ट करने की बातें कर रहा हूँ बहुत स्पेसिफिकली कर रहा हूँ। अभी अनम्यूट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत सारे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाएगा, बेसिक बेसिक बात कर रहा हूँ। अगर मैं खुद नहीं रहता हूँ तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कितने अमाउंट में रेंट में चली जाएगी, बहुत बेसिक आपको जनरल बताऊंगा, 25 से 35 हज़ार रुपये महीने का रेंट मैक्सिमम मिलेगा, 25, कई बार 20 हज़ार 22 हज़ार भी मिल सकता है। अगर वो वेल फर्निश्ड नहीं है, प्रॉपरली तैयार नहीं है तो 20-22 हज़ार में ही देनी पड़ जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत भी फर्निश्ड है, सही से मेंटेन की हुई है, अच्छी सोसाइटी है तो 25 से 35 हज़ार रुपये का किराया आपको पर मंथ का आराम से मिल जाएगा। इसको अगर ईयरली में कैलकुलेट करें, 25,000 के हिसाब से 3 लाख हो गया, 35,000 रुपये के हिसाब से भारतीय 36 12 5 60, तो करीबन 4,20,000 रुपये हुआ। जब तक वो प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं चढ़ेगी तब तक मिनिमम मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आप ही को बियर करना पड़ेगा। कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये का मेंटेनेंस का एक्सपेंस आपका उसमें लगेगा जब तक वो किराए पर नहीं चढ़ता है। ये बेसिक है, ये आपको पता होगा, लेकिन बता के चलते हैं, कई बार टेनेंट इमीडिएटली मिल जाता है और कई बार 6-6 महीने प्रॉपर्टी लेने के बाद भी खाली पड़ा रहता है, ये भी सबको पता है। ऑनर राइट, अगर इन बिटवीन कुछ हो गया 20 साल के अंदर, कभी भी उस ऑनर को कोई मिसहैपनिंग हो गई तो क्या होगा, जिस बैंक से भी लोन चल रहा है घर वालों से या तो 80 लाख रुपये मांगे जाएंगे, जितना बैलेंस बचा है वो मांगा जाएगा, नहीं तो बैंक का राइट रहेगा
वो उसको कभी भी सेल कर सकते हैं, जिस भी रेट में सेल करके अपना पैसा पूरा कर लेंगे। यस और नो, कितने लोग इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं, जितनी चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ, सर, ताकि मैं बाकी हंड्रेड लोगों से परसेंट करेक्ट, कनेक्ट कर पाऊँ। करेक्ट 100% करेक्ट है सर, हकीकत है सर, है। हकीकत है। आगे बढ़ते हैं सर। एनी मिस हैपनिंग विद ऑनर, जैसे मैंने बताया आप बैंक के हाथ में राइट्स है, वो कुछ भी कर सकता है। एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या आपके हाथ में है दांदू जी, कभी भी सोच सकते हैं जो भी प्रॉपर्टी आप आपने 1 करोड़ की ली है वो हमेशा आपको अप्रिशिएट ही करके देगी। कभी मार्केट डाउन है, कभी बीजेपी का राज है, कभी कांग्रेस का राज है, कभी आम आदमी है जिसकी वजह से मार्केट नहीं बढ़ रही, तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। जो अप्रिसिएशन होना चाहिए कई बार उस रेट से भी अप्रिसिएशन प्रॉपर्टी का नहीं होता है। टेक्निकली बता रहा हूँ, 5% से 15% एवरेज बढ़ती है प्रॉपर्टी कितनी भी अच्छी सोसाइटी के अंदर हो। सर ये लेकिन नसीब पे डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, बट इट इज नॉट गारंटी कितना बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्यूचर वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, अगर प्रॉपर्टी हमने 1 करोड़ रुपए की ली है और उसको हमने 20 साल के लिए लोन कराया है, तो उसकी कॉस्टिंग कितने लोग जानते हैं कि डबल कम से कम हो जाती है। उस बंदे को ही कॉस्ट उसकी 2 करोड़ पड़ती है, 2.25 करोड़ पड़ती है। यस और नो, मेरे को बताए सर। सभी को पता है ना, ये जानकारी है कि नहीं, कि अगर लोन कराते हैं तो 20 साल में उस पैसे में इंटरेस्ट लगने के बाद वो पैसा 1 करोड़ की वैल्यू का 2 करोड़ हो जाता है, कम से कम हो जाता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं हो सकता, उससे ऊपर भी हो सकता है सर। ज्यादा भी हो सकता है। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो जो 2 करोड़ की आपने खुद ली थी और आप चाह रहे हो कि उसको 5 साल बाद बेचो, 10 साल बाद बेचो, 20 साल बाद बेचो, कितनी वैल्यू हो जाएगी, कैन यू इमेजिन कितना हो सकता है, कोई अंदाजा लगा सकता है? और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी क्या इमीडिएट सेल हो सकती है क्या? जब आप बटन दबाए तब सेल हो जाए। प्रॉपर्टी को खरीदना आसान होता है, बेचना आसान नहीं होता है। और अगर आप अपनी मजबूरी से बेचते हैं तो उस प्रॉपर्टी के अंदर आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कितने लोग मानते हैं, यस और नो, एम आई करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट एस सर करेक्ट, आप है। करेक्ट है, सर बिल्कुल सर, चलिए करेक्ट है, करेक्ट। और देख लेते हैं थोड़ा सा। आपने टोटल अमाउंट कितना पे किया? करीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए। प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी थी, लोन के साथ आपको 2 करोड़ 10 लाख की कम से कम पड़ेगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और सेल अगर उसको करने को जाएंगे 20 साल के बाद, तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी 1.5 की बिक जाए, 2 की बिक जाए, 3 की बिक जाए, 4 की भी बिक सकती है, आपकी किस्मत अच्छी रही। और ऐसा भी टफनेस हो सकता है कि 1.5-2 तक ही अटक जाए, सेचुरेशन आ जाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए, नोबडी नोज। हो सकता है कि नहीं, 1.5-2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ तक जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है, और इससे ज्यादा भी जा सकती है, एक रफली अंदाजा बता रहा हूँ। यही सेम चीज अगर आप टाटा की ई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं हर चीज में आपको बेटर रिटर्न दे सकता हूँ, इट इज माई गारंटी। मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया जो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन यही सेम चीज मैं पहले दिन से आपको 1 करोड़ की गारंटी दूंगा, और सेम चीज आपको रिटर्न भी वहां से ज्यादा दूंगा, आपको रेंटल भी वहां से ज्यादा दूंगा, और आपके बहुत सारे पैसे भी बचवाऊंगा। 2 करोड़ 10 लाख के बदले आपको देना भी सिर्फ 1 करोड़ ही होगा, और ईएमआई में ऑप्शन दिलवाऊंगा। ये सारी वर्किंग मेरे पास अवेलेबल है आपके लिए, जल्दी से देख लीजिए टाटा आपके लिए क्या लेके आया। डाउन पेमेंट की बात करें, अगर आज कोई 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेते हैं, तो हम सिर्फ 8.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट के लिए आपको बोलेंगे। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 8.5 लाख रुपए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आपको सिर्फ 12 साल ही देने। सर यहाँ पर 20 साल दिया था, यहाँ सिर्फ 12 साल देने हैं। टोटल पैसा 1.2 करोड़ रुपए आपका जमा होगा, और वो भी अभी देखिए, ये सिर्फ डाउन पेमेंट है, और 90% पैसा आपका, 90% प्लस पैसा आपका फाइनेंस हो जाएगा, 0% ईएमआई में, और ईएमआई भी आपका अगले साल से लगेगा। 91,50,000 रुपये आपका पैसा 80% 90% लोन में चला जाएगा, और उसका ईएमआई भी अगले महीने अगले साल से देना है, और वो भी इंटरेस्ट फ्री देना है। अमेजिंग अमेजिंग वर्किंग है सर इसमें, इसमें कोई पैसे का इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना है। जो 8.5 लाख को जब आप डिवाइड करते हैं 12 से, तो 70-71 हज़ार रुपये का प्रीमियम पैसा बनेगा, जो आपको ईएमआई ऑप्शन में, मंथली ऑप्शन में देना है, आपके अकाउंट से कट जाएगा अगले साल से, और हर साल हर महीने 71 हज़ार रुपये दे के, 72 हज़ार रुपये दे के, आपको सिर्फ 12 साल पेमेंट करनी। पहले दिन से राइट आपका, प्रॉपर्टी आपकी, बैंक का इसमें कोई राइट नहीं रहेगा। और मजे की बात, इसमें रजिस्ट्री का कोई खर्चा नहीं है सर,
आपका जो 8 लाख रुपए रजिस्ट्री में वहां लगता है यहाँ पर नहीं लगेगा सर। आपको कोई ब्रोकरेज का पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो भी जीरो है सर। प्लस रेंट की बात कर लें, जो आपको रेंट वहाँ 25 से 35 हज़ार रुपये मिलता है, यहाँ पर जो रेंट मिलेगा 94,000 रुपीज मंथली मिलेगा, और साल की बात करें तो 11,30,000 रुपये मिलेगा, और वो भी गारंटेड 30 साल तक मिलेगा सर। 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, गारंटेड 30 साल की बात कर रहा हूँ। वहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कोई गारंटी नहीं है कि आपका टेनेंट इतना लंबा चलेगा, यहाँ पहले दिन से गारंटी है कि ये आपका 30 साल चलेगा बस इस वाले रेंट में। और जो मैं आपको रेंट बता रहा हूँ इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या फर्क है कि यहाँ पर जो आप प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं तो हो सकता है 6 महीने साल भर 2 साल में ही आपको प्रॉपर्टी का राइट्स मिल जाए, पोजेशन मिल जाए, तो उसको आप किसी टेनेंट को किराए पर दे पाए, किसी किराएदार को किराए पे दे पाए। लेकिन यहाँ पर जो आप किराए पर दे पाएंगे या यहाँ पर जो आपको किराया मिलना शुरू होगा वो 13वें साल से शुरू होगा। आपको 12 साल सिर्फ पेमेंट करना है और 13वें साल से सिर्फ लेना ही लेना है। वहाँ पर 2 साल 3 साल बाद किराएदार मिलेगा, 4 साल बाद मिलेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से 13वें साल से फिक्स है किराएदार गारंटेड मिलेगा, मिला हुआ है। 11,30,000 सालाना आपको मिलेंगे या 94,000 रुपये महीना आपके अकाउंट में आएगा ही आएगा, अगले 30 साल तक आएगा। और अच्छी चीज़, यहाँ पर किसी तरह का कोई मेंटेनेंस एक्सपेंस आपको पे नहीं करना, कोई बिजली का बिल विल कुछ पे नहीं करना अगले 12 साल तक। नो मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस, ऑनर राइट सिर्फ और सिर्फ आपका रहेगा। कभी भी कुछ भी आपको ज़रूरत है आप कर सकते हैं। एनी मिसहैपनिंग, अगर भगवान ना करे आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो अगर 12 साल के अंदर कोई मिसहैपनिंग होती है तो फैमिली को 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा इमीडिएटली, 12 साल के अंदर कभी भी होती है। और भगवान ना करे 13वें साल से हो जाए, 13वें साल के बीच में, 30 साल के बीच में कभी हो जाए तो क्या होगा, उस केस में आपको जो आपका नॉमिनी है उसको ये 11,30,000 रुपये सालाना आता रहेगा, जब तक जो पैसा आपको मिलना था वो सेम पैसा उनको भी मिलता रहेगा, ये इसमें पहले दिन से गारंटेड रहेगा। इतना ही नहीं, एप्रिसिएशन और प्रॉपर्टी की बात कर लें, यहाँ पर 5 से 15% फ्लक्चुएटेड है, कभी हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यहाँ पहले दिन से प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन और एप्रिसिएशन गारंटेड गारंटेड रहेगा सर। ये मैं आपको पहले दिन से ही लिख के दे सकता हूँ कि आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा। फ्यूचर वैल्यू की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको करीबन 4,51,00,000 रुपये टोटल मिलेगा। कैसे मिलेगा, 30वें साल में जो आपने दिया 1,02,00,000 रुपये ये भी कंपनी वापस दे देती है, और 30 साल में कैलकुलेट कर लीजिए 11,30,000 रुपये को, तो वो करीबन 3,49,00,000 रुपये बनेगा 30 साल तक, वो भी आएगा पैसा। और लास्ट में जो आपने दिया था वो भी 30वें साल में कंपनी ये भी वापस दे देती है। तो आपके प्रॉफिट्स की बात करूँ, टोटल पैसा आपको 4,51,00,000 रुपये मिलेगा, और टैक्स फ्री मिलेगा, किसी तरह का कोई टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा, ना ही मैच्योरिटी में कोई टैक्स लगेगा, और ना ही आपका कोई मनी बैक जो आएगा उसमें टैक्स लगेगा। आपके बेनिफिट्स की बात करूं तो 3,39,00,000 रुपये का प्योर एंड प्योर शुद्ध मुनाफा आपको मिलेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। क्या आप चाहेंगे ऐसे ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना टाटा जैसे ब्रांड के साथ जिसमें हर चीज़ गारंटेड है? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई, जो लोग भी शुरू से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग बाद में आए हैं, क्या लगता है प्लान में दम है नहीं है, जान है नहीं है, कुछ तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बहुत दम है, ये FG प्लस है ना सर टाटा का? हाँ जी सर, FG प्लस है। ओके सर, ये आपसे ही सीखा मैंने YouTube पे देख चुके हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये पहले वो डाउन पेमेंट फर्स्ट 3 पॉइंट्स फिर एक बार बोलो, दोबारा बता दो सर। पहला पॉइंट है 8.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट, उसके बाद 90% लोन है इसमें, 90-92% लोन है जो आपने EMI में देना है, और वो भी अगले साल से। जो 8.5 लाख रुपए है उसको हमने डिवाइड कर दिया है 12 से, तो अगले साल का जो EMI शुरू होगा 72,000 रुपये से शुरू होगा, 1 साल बाद से EMI शुरू होगा, 72,000 रुपये महीना देना है, और वो भी सिर्फ 11 साल तक देना है, ओनली 11 ईयर्स।
तो टोटल पैसा 1,02,00,000 रुपए जमा होगा। दादू जी क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर है कि नहीं? यस सर, यस सर। जब आप 72,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो करीबन 8.5 लाख की फिगर आएगी। क्या यहाँ मैंने इंश्योरेंस का कहीं नाम लिया? प्रॉपर्टी वाले बंदे को प्रॉपर्टी से कनेक्ट किया जा सकता है कि नहीं? मगर एक ना छोटा सा रिक्वेस्ट है सर मेरा। बोलिए सर। ये कोई ना प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ना किसी और चीज को डाइजेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होता जल्दी। उसी के लिए तो टाटा का बैकग्राउंड समझाना पड़ता है। अगर उसके लिए हम टाटा का बैकग्राउंड नहीं समझाएंगे तो लोग टाटा के ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे, और जब टाटा के ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे तो फिर आपके ऊपर भी बात नहीं मानेंगे। यस और नो? यस सर। तो इसीलिए टाटा के बैकग्राउंड को एनकैश करना होता है। और सर, मेरा एक सर, टाटा को सब मानते हैं, सब मानते हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं। सर एक चीज मैं भी मालूम करना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। जी सर, ई प्रॉपर्टी बता के पॉलिसी मान लीजिए सेल कर देंगे, लेकिन जब बाद में उनको पॉलिसी बॉन्ड देंगे तो इंश्योरेंस हमने यहाँ तो छुपा लिया, लेकिन सर छुपाया कुछ नहीं है। जब वो क्लोज करेगा तो सारी चीजें हमें बतानी है। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ हाइड करके बेच सकते हैं, नेवर एवर। हम सब आइडिया समझा सकते हैं, लेकिन जब हम क्लोज करेंगे तो सब कुछ बताना है, सब कुछ बताना है, नो हाइडिंग। नहीं जी, ये सेल करने का ये तरीका है, ये सेल का तरीका है। वेरी करेक्ट सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर हम बिल्कुल ही हाइड करके बेचेंगे तो हम चीटिंग कर रहे हैं कस्टमर के साथ, वो नहीं कर सकते हम। अरे सर खाली समझा रहे हैं। समझाने का तरीका तो हर आदमी का अपना अपना हो सकता है। एक सेकंड सर। हाँ जी सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, कस्टमर से तो कई बार फ़ोन अटेंड करना ज़रूरी होता है। हाँ, मैंने म्यूट किया है सभी को और बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रकाश जी प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। हमें क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट लेके जाना होता है कस्टमर के पास। उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना वो आपका, तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पाए सही से तो फिर अगर मगर और बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट डिलीवरीज क्लियर होनी चाहिए। क्या आप कितने लोग जानते हैं कि LIC के मैक्सिमम प्लान कॉन्सेप्ट की वजह से बिकते हैं? कोई इंश्योरेंस समझ के नहीं बेचता, खरीदता। ज़्यादातर बड़े प्लान, छोटे प्लान की मैं कह नहीं सकता, लेकिन जितने भी बड़े प्लान हैं वो हमेशा कॉन्सेप्ट से बिकते हैं। किसी को रिटायरमेंट प्लानिंग करानी होती है, किसी को एजुकेशन प्लानिंग करानी होती है, किसी को बच्चे की शादी के लिए पैसा चाहिए होता है। उन्हें मतलब नहीं होता आप कौन सा प्लान दे रहे हो, कौन सा टेबल नंबर दे रहे हो, किस किस प्लान का कॉम्बिनेशन बना के दे रहे हो। दंदू जी, आई एम करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट करेक्ट सर, 100% करेक्ट सर। अपन काम के लिए किसी कने गए तो सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बोलना भाई, बोले तो उन्होंने फिर वो आपको बैठना क्यों देगा, फिर वो आपसे बात ही नहीं करेगा, इंश्योरेंस की बात करेगा। ऐसा नो बोलते, एक ही बात नहीं बोलते, बोलते ना इतना नहीं बोलते। अपन सब्जेक्ट को समझ जाना बोलते तो इनडायरेक्टली जाना पड़ता है। सर एक ही प्रॉपर्टी आया है सर, समझाना है, थोड़ा 5 मिनट टाइम लगेगा क्या? 10 मिनट चाय के लिए बुलाते हैं, चाय पीते हैं सर बैठ के आराम से, अच्छा लगेगा तो लेना मांगता है, नहीं तो कोई बात नहीं सर, चलेगा। तो जी बोलिए। ये बात समझे तो असली बात और 100% समझता हूँ। समझता है सर, वो सारी बात समझता है। 100% उसे पता है कि ये जो बंदा आया है कुछ नया लेके आया है, अगर उसमें इंश्योरेंस घुसा दिया तो वो भाग जाएगा। पहले इंश्योरेंस शुरू कर दिया, आपसे बात भी नहीं सुनेगा, कितना भी अच्छा कुछ हो आपके पास, कितना भी अच्छा कुछ क्यों ना हो। आप जो बोला वो मेथड इंश्योरेंस सेल करने का मेथड नहीं है, वो जनरली आदमी अपन बात कर लेते ना, वो जनरल टॉपिक ऐसा है, वो बिल्कुल जनरल टॉपिक है। मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक लिया ही नहीं जिसमें मैं नॉन जनरल चीज़ों पे बात करूं। एक भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं ली इसमें
जिसमें कोई भी बंदा ये कहे कि प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता। जितने भी लोग प्रॉपर्टी सेल परचेस करते हैं ना, वो ब्लाइंडली बोल सकते हैं, उन्हें सारी कैलकुलेशन टिप्स पे याद है, टिप्स पे। Am I correct or wrong? और कोई पार्टिसिपेट करेगा प्रॉपर्टी में भी सेम कैलकुलेशन कर? सर ये जो आपने बनाया था वो पेस्ट, वो पोस्टर यूट्यूब पे रखा, अरे सॉरी व्हाट्सएप पे भेजना। नहीं भेज सकता सर, वो उस पे ही आएगा, टेलीग्राम पे मिलेगा सर, आप घबराइए मत, सब कुछ मिलेगा। अच्छा चलेगा ना सर? सर सब कुछ मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी के साथ, प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, जैसे ही प्रॉपर्टी के साथ इंश्योरेंस घुसा देते हैं ना, लोगों को समझ में नहीं आता है। बात समझा पा रहा हूँ कि नहीं? अरे बहुत नया लगेगा सर। देखो मैंने ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन रखी, जब आप पेन पेपर लेके या कोई भी टैब के थ्रू इस चीज़ों को समझाते हो ना, तो कस्टमर को बात एक एक चीज़, एक एक कैलकुलेशन दिमाग में घुस जाता है, उसको ये समझ में आता है कि ये सब कुछ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो बोला है ना, एक एक चीज़ बोला है, इसका गारंटेड प्रूफ मिलता है, तो कस्टमर को ना कहीं इधर उधर जाने का मौका नहीं मिलता है। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप सभी लोग ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया है यहाँ पर, एक एक चीज़ जितनी भी लिखी है ना, उसको मैं प्रूव करा सकता हूँ, तो कस्टमर को कुछ गलत लगेगा क्या? अगर मैं यहाँ बोलूँ उसको 8.5 लाख रुपये देना है और उसको 8.5 लाख रुपये का प्रीमियम दिखाई दे जाए, तो वो मानेगा कि नहीं मानेगा? और मैं उसको ये भी बोलूं कि अगले साल से आपको 72,000 रुपये ही देना है, इससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं देना है, ये भी मैं उसको दिखा दूंगा, तो उसको चलेगा कि नहीं चलेगा? और मैं उसको ये भी दिखा दूं कि 11,30,000 रुपये गारंटेड राइटिंग में बॉन्ड पे लिखा हुआ मिलेगा, 30 साल तक आएगा, लिखा हुआ है राइटिंग में, लिखा हुआ है, उसको चलेगा कि नहीं चलेगा? और ये भी दिखा दूं कि टोटल पैसा 4,51,00,000 रुपये या 4,41,00,000 रुपये आएगा, और जो 1,02,00,000 रुपये दिया है 12 साल में बिना इंटरेस्ट के, वो भी एज इट इज वापस मिल जाएगा। इतना सब कुछ अगर उसको गारंटीड दिखता है तो उसको ट्रस्ट डेवलप होता है कि नहीं होता है? जब ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ तो उसको बात समझ में आती है कि नहीं? प्रॉपर्टी में आएगा क्या कभी इतना रिटर्न, जो रेंटल इनकम इतना बड़ा मिल सकता है क्या, 11,30,000 रुपये साल का, क्या 94,000 रुपये महीने का रेंट पे चढ़ सकता है क्या 1,00,000 रुपये का? कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन लगा लो, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी के अंदर वो दिमाग है। आज 4 BHK ले लो या कोई विला ले लो जिसकी वैल्यू 1,00,000 रुपये की हो, और आप कहीं पे भी क्यों ना रहते हो, 20-25-30,000 रुपये से ज़्यादा का महीने का रेंटल नहीं मिलेगा। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? 100% सर, 100% 94,000 गारंटेड मिल रहा है, तो इट मीन्स उसको लग रहा है 3 गुना 4 गुना फालतू मिल रहा है। इट इज़ वर्दी सर, इट इज़ वैल्यूएबल, और वो भी टैक्स फ्री मिल रहा है। वहाँ पर रेंट टैक्सेबल है, आप सभी को पता होगा, रेंट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है इनकम के अंदर आते ही, यहाँ पर पूरा टैक्स फ्री है। आज इसकी रियलिटी चेक करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फैक्ट है। ये देखिए 8.5 लाख रुपये दिया, 12 साल तक दिया तो 1,02,00,000 रुपये जमा होगा, और 13वें साल से ही मिलना शुरू हो जाएगा 11,30,000 रुपये। टोटल पैसा 4,41,00,000 रुपये मिलेगा, जो मैंने एज इट इज़ बताया। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? और टाटा जैसी ब्रांडेड कंपनी के नाम से मिलेगा तो क्या उसको ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जितना यहाँ लिखा है कोटेशन में, यही सेम चीज़ बॉन्ड पे भी लिखी हुई मिलेगी एज इट इज़, और हर जगह गारंटेड वर्ड लिखा हुआ है। जहाँ भी गारंटेड चीज आ जाती है वहाँ पर कोई डाउट का सवाल नहीं होता है। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? 100% करेक्ट है सर। यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट पे करे तो आदमी को सिक्योरिटी रहता, कुछ हो गए तो यहाँ पे सिक्योरिटी आता। वहाँ पे सारे डाउट हमने शुरू में ही क्लियर कर दी। अब वो बोलेगा पहले 1 करोड़ देने के बाद मुझे कुछ हो गया तो सर 1,02,00,000 रुपये मिल जाएगा ना, क्या दिक्कत है? 5वें साल में हो गया तब भी मिलेगा ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मिलेगा, तब भी मिलेगा, तब भी मिलेगा। तो उसका डर खत्म कर दिया हमने। ये आराम का काम है जी, ये आराम का काम है। और अभी आपके पास ये 2 महीने ही है, ये फरवरी का महीना और मार्च का महीना, क्योंकि फिर 8.5 लाख का प्रीमियम नहीं उठेगा, क्योंकि फिर 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स नया रूल आ गया है बजट में कि अगर कोई पर्सन 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम पे करेगा तो मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगा।
तो अभी इस महीने और अगले महीने में आपको मौका है, जितना बड़े से बड़ा प्रीमियम उठा सकते हो, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ उठा लीजिए, क्योंकि उसका मैच्योरिटी टैक्स फ्री होने मिलने वाला है। 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा, वो भी मैच्योरिटी मिलेगा, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। सभी को पता है कि नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड और नॉट? बताए जी, बताए 15 दिन से पहले बताए, सभी को पता है। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है, कुछ कंसर्न है? सर मुझे ये पूछना था, जो आपका ये प्लान है टाटा ये का, इसे अगर उससे कंपेयर किया जाए LIC के जीवन उमंग से, तो मतलब कैसे बेटर पता चलेगा कि कौन सा है? नाम बताइए अपना। मेरा नाम राजीव जैन। राजीव जी, ओके ठीक है। राजीव जी, ये प्लान ना हर प्लान से गारंटेड और बेटर है, उसके बहुत सारे कंपैरिजन वर्किंग में आपको शेयर कर सकता हूँ और थोड़ा बता भी देता हूँ, ताकि आपको भी बहुत सारे मार्केट में लोग मिलेंगे और धुरंधर लोग भी मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि LIC का जो जीवन उमंग प्लान है इससे सुपीरियर है, ऐसा बोलेंगे आपको। लेकिन सच्चाई जिस दिन आप जान लेंगे जीवन उमंग प्लान की, तो आपको पता चल जाएगा कि जीवन उमंग प्लान है क्या। तो उसका पहला फैक्ट बताता हूँ आपको, उसमें मिनिमम जो ऑप्शन शुरू होता है वो 15 साल पेमेंट का है, और यहाँ पर सिर्फ 12 साल पेमेंट है। पहले एक तो 3 साल का आपका फर्क पड़ गया, यस और नो? और अगर 3 साल का प्रीमियम आपने कम दिया है, तो हम यहाँ पर कॉम्बो ऑफर लगा सकते हैं। यहाँ पर हम 50 लाख का या 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर टर्म प्लान डाल सकते हैं, जिसकी पेमेंट 12 साल में ही आए, तो क्या होगा, इसकी कवरेज और सुपीरियर हो जाएगी। अभी हमने कुछ भी नहीं डाला है, प्योर वनीला समझा है। अगर हम जब कंपेयर करने की बात करेंगे, तो उससे कम पैसे में उससे बढ़िया रिटर्न यहाँ पर मिल जाएगी, ये पहला बेनिफिट है। जैसे हम इसमें सुपर वो आपका टर्म प्लान ऐड कर देते हैं, प्योर टर्म प्लान, तो इसका प्रीमियम और दोनों को ऐड करने के बाद तब भी 15 साल के प्रीमियम से कम प्रीमियम बैठेगा, पहली चीज। दूसरा क्या है, वहाँ पर जो पैसा आ रहा है, जैसे वहाँ पर 8% आता है इंश्योरेंस का, अगर इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपये है या जो प्रीमियम आप दे रहे हैं वही वहाँ पर वापस मिलेगा। अगर आप 8.5 लाख रुपये प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो 8.5 लाख ही आपको वापस मिलेगा, लेकिन यहाँ हम 11.5 लाख रुपये दे रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ रही है कैलकुलेशन, तो पता है ना आपको उसकी? अनिल जी, सॉरी राजीव जी, जी हाँ सर, होते जितना दे रहे हैं उतना ही मिलता है ना, बेसिक फॉर्मूला काम करता है सर वहाँ पे, कि अगर आपने 15 लाख रुपए का 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया, तो 20 लाख का 8% आपका गारंटेड बॉन्ड पे लिखा हुआ मिलेगा, यस और नो? कितने लोग जानते हैं दांदू जी LIC वगैरह बेचते हैं? बहुत सारे लोग LIC बेचते हैं यहाँ पे, ऐसे ही है LIC का? यहाँ हम 11.5 लाख रुपए दे रहे हैं सर, 8.5 लाख लेके 11.5 लाख रुपए दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे। और दूसरा, वहां पर जो इलस्ट्रेशन बना हुआ होता है वो आउटसाइडर ऐप के थ्रू बना हुआ होता है, उसमें जो आपका सरेंडर वैल्यू का फेक सिस्टम दिखाया हुआ होता है वो टेक्निकली सही नहीं है सर। जब आप उस इलस्ट्रेशन को LIC की वेबसाइट से निकालेंगे, तो आपको एक्चुअल फैक्ट समझ में आएंगे, जो उसकी रिटर्न्स आनी है वो उतनी नहीं आती जितनी उसमें दिखाई जाती है सर। उसमें गारंटर लिख के नहीं आता है सर? गारंटेड तो छोड़ो, जो मैच्योरिटी वहाँ दिखाई जाती है कि मैच्योरिटी पे 80 लाख मिलेंगे, 1 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ रुपए मिलेगा, वो नहीं मिलता है सर, उसका आधा भी नहीं मिलता है, उसका आधे का आधा भी नहीं मिलता है, इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा झोल जाल है उसमें। वहां पर कब बेटर मिलता है, अगर उसकी डेथ हो गई, पर्सन की डेथ होगी तो पैसा सही मिलता है, वो पैसा सही दिखाया हुआ होता है, लेकिन डेथ से पहले कभी भी वो सरेंडर करेगा तो वो पैसा 100% फेक है, 100% गलत है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ कि नहीं? और इसकी इलस्ट्रेशन मेरे पास है, इसका लिंक मेरे पास है, किसी को अगर सही वैल्यूएशन चेक करनी है तो उस लिंक पे LIC की वेबसाइट पे जाके फिगर्स डाल के उसकी इलस्ट्रेशन निकाल लीजिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, मैं आपको दे सकता हूँ। सर ये प्लान में क्लाइंट तो एक इंस्टॉल नहीं तो दो इंस्टॉल करके फाइनेंशियली प्रॉब्लम आके वहाँ रुके हुए तो सर बेस्ट पार्ट है सर, यहाँ पर सिर्फ 3 साल चलाना मैंडेटरी है, ओनली 3 ईयर्स। अगर 3 साल आपने चला लिया, उसके बाद कभी भी इसको बायबैक
कर सकते हैं और आपका सम इंश्योर्ड उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, आपका पैसा मरेगा नहीं, उसी के अकॉर्डिंग 13वें साल से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, पेड अप बोलते हैं सर उसको, पेड अप हो जाएगा आपको कॉल से। कम से कम 3 साल कंपलसरी भरना पड़ेगा, कम से कम 3 साल चलाएंगे, कर सकते हैं, इतना तो कोई मुश्किल नहीं है, 3 साल कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसे ही आप इसको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए मैनेज कर सकते हैं कि नहीं, अगर किसी को 1 BHK बनाना है तो 1 BHK के लिए सेलिंग कर सकते हैं, किसी को अपना 2 BHK करना है तो 2 BHK भी कैलकुलेशन दी हुई है, 3 BHK करना है तो 3 BHK। मैंने 1,20,000 रुपये से वर्किंग आपके लिए बनाया हुआ है जिसको आप आराम से अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। हाँ बोलिए दानू जी, आप जो ये बता रहे ना सर, ये ई प्रॉपर्टी के अलावा ये पॉलिसी जैसा पॉलिसी बताए तो समझ में नहीं आता, इसका इम्पोर्टेंस भी नहीं है, नहीं आता है सर उसके बिना इसको वैल्यू नहीं देता है सर। लेकिन जैसे ही मैं 15 लाख की प्रॉपर्टी की बात करता हूँ और प्रीमियम से 1,20,000 देने की बात करता हूँ, उसको समझ में आता है यार 15 लाख की प्रॉपर्टी मिल रही है 1,20,000 की देके, तो उसको वैल्यू करता है सर। मनी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बोले तो ये ऐसे ही बोलना पड़ता। बोलो सर ई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, आपको गारंटेड रेंटल दे रहा हूँ, टैक्स फ्री रेंटल दे रहा हूँ और आपका पैसा गारंटेड। नहीं सर, यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है बोले तो टाटा में इन्वेस्ट करना है सर, टाटा में है और प्रॉपर्टी खरीद करे तो आदमी के कुछ हो गए तो पैसे रुक जाता, सिक्योरिटी नहीं रहता। यहाँ पे तो एक इंस्टॉलमेंट करे तो भी उनको कुछ हो गए तो भी अपन वो डेथ टू बेनिफिट आते हैं, 11 times आता, बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है। वहाँ पे नहीं आता, प्रॉपर्टी में कुछ नहीं आता। ये कैलकुलेशन समझ पा रहे हैं सभी को, सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है, अपने आप से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नहीं? 100% सर, 100%। ओके ग्रेट, अरे सही है। और मैंने आपके लिए एक बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत जबरदस्त एक मैसेज भी ड्राफ्ट किया है जिसको आप बता के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं अगर आपने सही से किया। क्या है जल्दी से देख लेते हैं ताकि आपको मार्केटिंग करना इजी हो जाए। देखो कैलकुलेटर चलाना तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा, सिक्योर लाइफ है इसका, टाटा AIA का ऐप है, उसमें FG+ पेंशन के नाम से ये प्लान आता है। इसकी डिटेलिंग भी अभी आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने सीखा हुआ है, इसको नहीं आता है उसको वो भी बता देता हूँ। और इसका मार्केटिंग मैसेज जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने 1 BHK के लिए बनाया है, आप इसको 2 BHK 3 BHK या विला में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है देख लेते हैं एक बार। दिस इज़ द सिंपल मैसेज, इसको आप हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। टाटा AIA ई प्रॉपर्टी शानदार ऑफर, प्लीज़ सर ये ड्राइंग मत कीजिए, मेरी को बड़ी इरिटेशन होती है इन चीज़ों से, सिंपल रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। चलिए 15 लाख का 1 BHK बुक करें, सिर्फ 1,20,000 बुकिंग अमाउंट देकर, EMI इंटरेस्ट फ्री, अगले साल से 10,000 महीना देना है सिर्फ 11 साल तक, और गारंटेड रेंट पाएंगे 13,000 रुपये महीना या 1,56,000 रुपये सालाना अगले 30 साल तक गारंटेड, और 30वें साल पर मैच्योरिटी भी मिलेगी 14,40,000 रुपये, टोटल पैसा आपको मिलेगा 46,22,000 रुपये गारंटेड। यूज कर सकते हैं कि नहीं, परमिशन क्लियर है, सुपर है सर, सुपर है, मैसेज क्लियर जा रहा है, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। कोई वो पूछेगा कहाँ है प्रॉपर्टी, किधर इन्वेस्ट करना है, सर चाय पीने के लिए बुलाएंगे नहीं तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी थोड़ी ना बात समझ पा रहे कि नहीं, चाय के लिए तो बोल सकते हैं कि नहीं हम? हाँ बिल्कुल सर, हमारा काम क्या है सर, करने का स्किल है, हमारा काम ही है लोगों से अपॉइंटमेंट लेना, लोगों से मीटिंग लेना, और अगर हम वही नहीं कर रहे हैं, वही हमें करना नहीं आ रहा है तो फिर हम एजेंट नहीं है। हमें करेक्ट कर रहा हूँ, 100% क्लियर है ना? एक मीटिंग में हमारा मेंटर बोला, अपन जो किसी से बात करते वही प्रोस्पेक्ट है, अपन से बात करते वही भी प्रोस्पेक्ट है, वो भी प्रोस्पेक्ट है सर, जो भी हमसे बात करता है वो सब प्रोस्पेक्ट है। जिसको भी हमारा स्टेटस देख के, मैसेज देख के कुछ इंटरेस्ट जगा ना और उसने पूछा
बस पूछा तो समझ लो आपका खिड़की खुल गया, बात करने का मौका मिल गया। अगर आपने फोन पे ही सब कुछ समझा दिया, सर ये इंश्योरेंस है, इसको हमने ऐसे किया हुआ है, अच्छा 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 ठीक है सर, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेगा वो आपसे, कुछ भी नहीं लेगा। रियली हकीकत अपन फील्ड में काम नहीं सही नहीं करते साथ, अपन 1 करोड़ 140 करोड़ का पीपल है, रॉ मटेरियल बहुत है भारत में। ये पता सबको है सर, आप नया नहीं बता रहे दांदू जी, रॉ मटेरियल की कमी सबको पता है, कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, इतना रॉ मटेरियल ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा मार्केट है, फिर भी मिलने का टाइम नहीं है, लोग अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं, बात नहीं करना चाहते, डर लगता है लोगों को, कहीं उसने मना कर दिया तो, अरे क्या फर्क पड़ता है मना कर दिया तो, ये नहीं और सही और नहीं और सही, बंदे थोड़ी ना खत्म हो रहे हैं, दुनिया थोड़ी ना खत्म हो रही है, क्या हम अपने सराउंडिंग के 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के लोगों से मिले हैं क्या, 100% लोगों से मिले हैं क्या, 10% लोगों से मिले हैं क्या, अपॉइंटमेंट लिया है क्या, नहीं लिया, मैं गारंटी करता हूँ ओनली 10% लोगों से भी नहीं मिले सही मायने में, नहीं मिले। तो बस 2 किलोमीटर में ही काम कर लो सर, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, हम बार बार दूर दूर भागते हैं, 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर 40 किलोमीटर, कोई कोई तो 100-200 किलोमीटर भागते हैं, मीटिंग करके आते हैं, ओहो मैं मीटिंग करके आया 10,000 रुपये का प्रीमियम उठा के लाया, इसलिए भाई अपने आसपास तो देखो सब कुछ है आसपास, ठीक है प्लीज़ यूज़ कीजिए। प्लान अगर किसी को क्लियर नहीं है तो जल्दी से मैं ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि प्लान से लेके आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर मैं आपको एक नया शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग आइडिया। तो यहाँ तक अगर सभी को क्लियर है, बात समझ में आई, यहाँ सर डाउन पेमेंट का समझ नहीं है मेरे को, हैं डाउन पेमेंट का क्या सिस्टम है सर? डाउन पेमेंट अभी तो समझाया, अगर 15 लाख की प्रॉपर्टी है तो 1,20,000 रुपये देना है, और 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो 8.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट देना है। अच्छा, और इसमें इंश्योरेंस में? इंश्योरेंस का ही बताया सर मैंने, आप शायद लेट ज्वाइन किया है आप सर, ये प्लान है फॉर्च्यून गारंटी प्लस प्लान है। हाँ बोलिए सर, एक बहुत ये 5 लाख रुपए का प्रीमियम 1 अप्रैल से होगा टैक्सेबल, या 5 लाख की मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी? सर 5 लाख से ऊपर के प्रीमियम की बात कर रहे हैं, अगर कोई मैच्योरिटी की मतलब 5 लाख का प्रीमियम, सुन लीजिए सर पूरी बात, अगर 6 लाख रुपए का कोई प्रीमियम भरता है साल का, रेगुलर प्रीमियम भरता है 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल, और उसका जो भी मैच्योरिटी मिलेगा वो मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सर उसका बोनस जो मनी बैक होगा वो भी टैक्सेबल होगा क्या? नहीं सर, मनी बैक टैक्स फ्री होगा, ओनली मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा। सर एक आदमी डिफरेंट इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करता, वो पूरा मिलके 5 लाख होना, नहीं तो एक ही पॉलिसी में एक सर एक एक पॉलिसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आगे चल के उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा, वो मुझे पता है आपको भी पता है कि हम कोई बड़ा प्रीमियम कोई दे रहा होगा तो फिर हम उसको पार्ट करके बेचेंगे, अगर कोई 10 लाख दे रहा है तो 5-5 लाख करके 2 पॉलिसी बेचेंगे, कोई 20 लाख दे रहा है तो 5-5 लाख की 4 पॉलिसी बेचेंगे, उसको 5 लाख टच नहीं करेंगे, 4-5 45 कर लेंगे, 4-95 कर लेंगे, ठीक है ना, वो सॉल्यूशन अलग तरीके का रहेगा, लेकिन अभी कस्टमर को जो समझाना है आप ले ही नहीं पाएंगे, उसको दिमाग नहीं देना है, उसको तो ये बताना अभी कर लो इन्वेस्ट, बाद में नहीं कर पाओगे। तो ये पॉलिसी एक साल के बच्चे से लेके 60 साल तक के बंदे को आराम से दी जा सकती है, रेगुलर ऑप्शन भी अवेलेबल होता है यहाँ पर, लिमिटेड ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, रेगुलर और लिमिटेड में एक ही फर्क होता है, और 12 साल और 10 साल का पीपीटी बेचेंगे तभी फायदा नजर आएगा, इससे कम का पीपीटी बेचेंगे तो ज्यादा फायदा नजर नहीं आएगा। लिमिटेड ऑप्शन में क्या रहेगा, आपका 12 साल पेमेंट किया, 1 साल गैप किया, 13वें साल को गैप किया, 14वें साल से पैसा लेंगे तो और ज्यादा पैसा दिखेगा, 2 साल गैप कर सकते हैं, 3 साल गैप कर सकते हैं, 4 साल गैप कर सकते हैं, और 5 साल गैप भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम गैप बढ़ाएंगे, लिमिटेड ऑप्शन बढ़ाएंगे, उतना पैसा बड़ा मिलेगा, जो अभी यहाँ पर सर इसमें राइडर भी है ना? हाँ सर सब कुछ है, अभी नीचे लिखा है मैंने सब, ध्यान से सुनिए, अभी मिनिमम प्रीमियम 24,000 ले सकते हैं, मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है,
पहला प्रीमियम हमेशा एनुअली लेना है, ले हम हाफ ईयरली भी सकते हैं, क्वार्टरली भी सकते हैं, लेकिन ईयरली लेंगे तो ईयरली बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे, आपको कमीशन इमीडिएटली बड़ा मिलेगा। तो ऑलवेज सेल ईयरली, रिन्यूअल पर उसको हम मंथली भी कर सकते हैं, जब उसका अगले साल रिन्यूअल आएगा तो हम मंथली मोड में भी उससे पेमेंट ले सकते हैं, हर महीने का वो दे सकता है। और जो टर्म है मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 12 साल की इसमें टर्म है, इससे ज़्यादा का PPT अलाउड नहीं है, प्रीमियम पेइंग टर्म अलाउड नहीं है। और पॉलिसी टर्म टोटल मैक्सिमम 17 साल तक हो सकती है, 5 साल से लेके 17 साल तक, डेफरमेंट 1 साल से लेके 5 साल तक मैक्सिमम हो सकता है, जिसे आप गैपिंग वर्ड यूज़ करते हैं। और जितनी एज कम होगी तो इनकम ऑप्शन 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल तक ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ी रिटर्न दिखानी है, बड़ा पैसा दिखाना है, तो 30 साल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, 30 साल में रिटर्न ज़्यादा दिखती है, ठीक है। और राइडर्स ये चारों अवेलेबल हैं, टर्म बूस्टर है, एक्सीडेंटल डेथ है, ATPD है, हॉस्पिटल केयर है, और क्रिटिकल इलनेस राइडर अवेलेबल हैं। अभी के टाइम पे क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, यहाँ पर मनी बैक टैक्स फ्री रहेगा और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन जब आप 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स करेंगे और 5 लाख से ज़्यादा का ऑप्शन होगा तो मनी बैक भी टैक्सेबल हो जाएगा और मैच्योरिटी भी टैक्सेबल हो जाएगा, दोनों टैक्सेबल हो जाएगा अगर प्रीमियम 5 लाख से ऊपर का होगा। तो ये बहुत ख़तरनाक न्यूज़ है कस्टमर के लिए, तो उसको समझा के चलना है कि अभी पॉलिसी ले लो बढ़िया रहेगा। कितना टैक्सेबल रहेगा आज के हिसाब से, लॉन्ग टर्म टैक्सेबल LTD लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो 10% का रेट है, आगे चल के वो रेट 20 होगा, 25 होगा, 5 होगा, नो बडी नोज, जो गवर्नमेंट के रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा। सर ये आस्पी केयर क्रिटिकल इलनेस और अपन का हेल्थ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, सर आस्पी केयर और क्रिटिकल इलनेस की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, आपने पहला क्लास ज्वाइन नहीं किया था जब हमने लाइफ का प्लान, लाइफ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया था? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं सर, ये अपन हेल्थ कार्ड सेपरेट लेके इसमें आस्पी केयर और क्रिटिकल इलनेस लिए तो क्या बेनिफिट रहता, नहीं तो हेल्थ कार्ड नको यही राइडर लिए तो चलता? सर ये राइडर जब भी ले सकते हैं जब आप मेन प्लान लेते हैं, अगर प्लान नहीं चूज करते हैं तो राइडर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और राइडर लेने के फायदे होते हैं, हॉस्पी केयर का मतलब होता है जितने का इंश्योरेंस लेंगे, आपने बेस पॉलिसी जो लिया वो अलग होता है, हॉस्पी केयर में भी अलग से इंश्योरेंस अमाउंट आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, मिनिमम 10 लाख मैक्सिमम 50 लाख। अगर 10 लाख सिलेक्ट किया है तो एडमिट होने पर, किसी भी बीमारी की वजह से एडमिट होने पर 5,000 रुपये पर डे कंपनी प्रोवाइड करती है, और ICU में एडमिट होंगे तो 10,000 रुपये पर डे प्रोवाइड करती है। ये हॉस्पी केयर का फ़ायदा होगा अगर पॉलिसी में इंश्योरेंस 10 लाख का लेते हैं। क्रिटिकल इलनेस लेते हैं 10 लाख से लेके 50 लाख तक, तो कोई भी इंश्योरेंस लिया है सिर्फ क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होने पे वो पैसा पूरा आपको मिल जाएगा, 50 लाख लिया तो 50 लाख, 10 लाख लिया तो 10 लाख का उसी टाइम मिल जाएगा जब भी कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होगी। क्लियर? इसका क्लियर सर, आस्पी केयर में डे केयर OPD वगैरह कुछ नहीं, संबंध नहीं रहता सर। ऑलरेडी कोई PED है कभी भी कवर नहीं होगा, कोई भी नई PED है कवर होगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। तो पहले तो मुझे आप ये बताइए, आप लोगों को मेरी बात, ये कॉन्सेप्ट, ये वर्किंग समझ में आया कि नहीं? ई प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करता है कि नहीं आपको? करेगा सर, करेगा करेगा भाई, एक महीने में आपको 5 अपॉइंटमेंट लेती हूँ सब आपसे। सर आप 50 लीजिए, मैं 50 की 50 आपका यही जूम मीटिंग में क्लोज कर दूंगा, इट इज माई गारंटी। अगर आप अपने कस्टमर्स को जूम मीटिंग में लेके आते हो, जो अभी हम लोग कर रहे हैं अपने सभी एजेंट्स के साथ, जितने भी HNI क्लाइंट्स हैं, जितने भी NRI क्लाइंट्स हैं, ये 8.5 लाख का मैंने यहीं बैठे बैठे साउथ अफ्रीका में बेचा है सर, खुद डायरेक्ट सेल किया है, NRI सेल किया है, ये गॉड ग्रेस है सर, ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। इवन हमारे साथ कुछ और एजेंट भी हैं जिन्होंने यहाँ से मेरे से मीटिंग करवाया, NRI एजेंट से मीटिंग करवाया और हमने उसको क्लोज किया सर, 10-10 लाख 20-20 लाख 25-25 लाख का प्रीमियम हमने अप्रोच किया सर उनको, और वो कन्विंस्ड है उसके वर्किंग। आप जितना बड़ा पैसा डाल रहे हैं तो आपको रिटर्न भी तो उतना ही बड़ा मिल रहा है, यस और नो? यहाँ पर 1 करोड़ का प्रीमियम भी लोग आराम से
डाइजेस्ट कर जाते हैं, हजम कर जाते हैं कि 1 करोड़ का प्रीमियम बताया है, कस्टमर को कितना मिलेगा 13वें साल से 1,41,00,000 रुपए, 1,56,00,000 रुपए, 1,78,00,000 रुपए अगर उसमें डेफरमेंट बढ़ा देते हैं तो उसको बहुत बड़ा पैसा दिखता है। यस और नो, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जब मैं 8.5 लाख दे के 11,30,000 दे रहा हूँ, मैं उसमें एक जीरो ही तो बढ़ानी है, 85 लाख किया तो मैं उसको कितना दिखाऊंगा, 1,13,00,000 रुपए। और वही अगर 1 करोड़ कर दूंगा, 10 लाख कर दूंगा, तो 10 लाख में कितना हो जाएगा, कम से कम 1,40,00,000, 1,50,00,000 आराम से मिलेगा। जब मैं सिस्टम में डालूंगा तो एग्जैक्ट फिगर निकल के आ जाएगी। तो 1 करोड़ दे के 1.5 करोड़ मिलेगा, 30 साल तक मिलेगा, तो क्या मुझे बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती कि वो फिगर कितनी बड़ी हो जाएगी? यस और नो दांदू जी, हो सकती है कि नहीं? करोड़ में दे रहा हूँ तो पैसा भी करोड़ों में ही मिलेगा ना, लाखों में तो नहीं बता सकता मैं उसको। और फिर 12 करोड़ रुपए बाद में रखे हुए भी ऐसे कैसे मिलेंगे जो उसने 12 साल तक पे किया। टोटल पैसा उसका करीबन 44 करोड़ रुपए के आसपास होगा, 44-45 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। तो ऐसा पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है, बिजनेसमैन पैसे से पैसा बढ़ाता है। और ये जो रिटर्न आती है ना, 6-7% 8% रिटर्न पहुंच जाती है, गारंटेड फॉर्मेशन में पहुंच जाती है, तो उसको बहुत ही बढ़िया लगती है। इतनी बड़ी रिटर्न मिलती ही नहीं है कहीं गारंटेड में। बैंक FD भी 5 साल से ज़्यादा FD नहीं करती है, और उसका भी जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल होता है। यहाँ पर सब कुछ नॉन टैक्सेबल है। सभी क्लियर हो पाया कि नहीं? सभी को समझ में आया कि नहीं? क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर है। आई होप वेरी नाइस, सबको क्लियर है। तो चलिए आज एक नई एक्सरसाइज करते हैं, इससे पहले कि सब लोग गायब होना शुरू हो जाएं, अब सीख लिया साइड हो जाए। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं 2 मिनट आप सभी को समय दे रहा हूँ। मुझे आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, मुझे व्हाट्सएप पे एक रिकमेंडेबल आपका चाहिए कि इस गुरुकुल ट्रेनिंग को आप लोग जेन्युइनली ज्वाइन करें। जितने भी एजेंट्स हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग जेन्युइनली हेल्पफुल है। ये बेसिक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, आप प्लीज़ उसमें रिकमेंड करें लोगों को। क्योंकि जब तक आप लोग, माउथ वर्डिंग क्या होती है, एक तो हम आमने सामने बोलते हैं ये चीज़ अच्छी है, इसको करने से सीखने से आपको फ़ायदा मिलेगा। एक दूसरी तरीके से भी होती है कि आप लोगों के कमेंट्स को मैं उन लोगों तक भेज के जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको दिखा के बुला सकता हूँ, अट्रैक्ट कर सकता हूँ कि आप आएंगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन आप आएंगे ही नहीं तो मैं सिखाऊंगा क्या? सर बिल्कुल कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आप लोगों को अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं, मुझे उनके घर में बड़ा पैसा, बड़ा वर्किंग पहुँचाना है, और वो किसी वजह से मेरे साथ जुड़े हैं, आज किसी वजह से कनेक्ट नहीं है, बिजी हैं कहीं और, किसी काम में ऑक्यूपाइड है, लेकिन यहाँ आएंगे तो कुछ बड़ा सीख पाएंगे। तो आप वीडियो बना सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप मैसेज लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप वॉइस ओवर मैसेज बोल सकते हैं कि हम ट्रेनिंग में किस तरह से सीखते हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है, तो मुझे व्हाट्सअप पर प्लीज़ ज़रूर भेजना है, अभी भेजना है सर। इट इज़ मेरी सिंपल रिक्वेस्ट है। इतने में अपना मोबाइल कनेक्ट कर रहा हूँ, और आज के लिए आपको क्या सिखाने वाला हूँ, डिजिटल सेकंड आइडिया। तो 2 मिनट मुझे लगेगा मोबाइल कनेक्ट करने में। तो मेरी सिंपल रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग, अभी 25-26 लोग हैं, सभी लोग प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप पे अपना अपना रिकमेंडेशन, एजेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट इस मीटिंग को अटेंड करें कि गुरुकुल ट्रेनिंग जेन्युइनली वर्थफुल है। जो भी आप लगता है, जो भी आप बोलना चाहें, बताना चाहें, मेरी कमियां, मेरी अच्छाइयां, जैसे भी आपको समझ में आए आप लिखिए, मैं 2-4 लाइनें आप लोगों की तरफ से, अपने अपने शब्दों की तरफ से चाहता हूँ कि आप लोग मुझे भेजें ताकि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बुला सकूँ। चलिए मैं मोबाइल कनेक्ट कर रहा हूँ, इतने आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज़ मैसेज डाल दीजिए। सर मैं आपका व्हाट्सएप में कल एक स्लाइड बनाया सर, वाई एंड कार्ड। आपने वो स्टेटस बनाया, क्या बनाया था आपने? हाँ वही आपको भेजा है ना, अभी भेजा है आपको, मैं भेजा है। हाँ मैं चेक करता हूँ। अरे वाह वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया, अच्छा बनाया सर। आप सर, आप बिल्कुल, जो मैंने एक आपको बताया था अपना स्टेटस लगाना, उस पर प्रैक्टिस किया क्या आपने, अपना फोटो वोटो लगा के नीचे लिखना? हाँ मैं डाला सर, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा लगा कि नहीं लगा, कुछ बढ़िया लग रहा है कि नहीं उसमें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। यहाँ पे गवर्नमेंट कट गया है, जो आपने इमेज लिया है फोटो का, उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल प्रॉपर पूरा पूरा कट गया है, प्रॉपर नहीं आ रहा है।
नहीं मैं सही बनाया, मगर वो आपको बिजाय कुछ वो दिखने में हो गया, फोटो में ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बना, फोटो में बहुत कैची है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करेगा सर, इट इज वर्थ। आजकल लोगों को कुछ डिफरेंट ही चाहिए सर। ये डिफरेंस अपन कस्टमर को क्लाइंट को नहीं बताए तो नहीं समझ सकता, ये डायरेक्ट टू सब्जेक्ट बोले तो सब्जेक्ट आदमी किसी फील्ड में डायरेक्ट सब्जेक्ट बोले तो नहीं समझता, नहीं समझता है, इसको समझाना पड़ता है। इसके लिए तो हमें मार्केटिंग यूज करनी पड़ती है, अगर हम मार्केटिंग यूज नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा सर। वो रोड रोड पे मोस बेचने वाला 5 रुपए 20 रुपए का डजन का बेचते, 25 रुपए का डजन बेचते, जी दोनों रखे तो डिफरेंस डिफरेंस देख के 25 रुपए का लेता कस्टमर, यही रखे तो 20 रुपए में दे बोलता। हाँ ऐसे ही होता है सर, महंगी चीज सब आपको पसंद है, सस्ता कोई लेना नहीं चाहता है सर। वो डिफरेंस में आदमी अंडरस्टैंडिंग होता। हाँ डिफरेंस नहीं रखे तो डायरेक्ट, बिल्कुल सही बोले सर आपने। चलो सभी को मेरा मोबाइल दिख रहा है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड और नॉट, देख पा रहे कि नहीं? देख पा रहे सर, देख पा रहे हैं। ओके चलिए, आज मैं आपको शॉर्ट वीडियो बनाना सिखाऊंगा, सेल्फी वीडियो बनाना सिखाऊंगा, और सेल्फी वीडियो के लिए आपको आपके पास कोई फोटो खींचा होगा, जो मैंने अभी मैसेज बनाया था अभी आप लोगों के सामने, दिख रहा है क्या वो मैसेज है आपके पास? चलो मैं आपको मोबाइल में दिखाता हूँ, ये वाला मैसेज, क्या नाम है, टाटा AIA ई प्रॉपर्टी शानदार ऑफर, देख पा रहे हैं कि नहीं? देख रहा सर, देख रहा, देख सकते हैं आप इसको, कहीं लिखा हुआ रख सकते हैं, सामने रख सकते हैं, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मुझे पढ़ पढ़ के बोलना है। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, इसको बोलने का प्रैक्टिस करना है कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ इसको बोल दिया एक बार दो बार तीन बार प्रैक्टिस करके देख के, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पढ़ के बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा चलेगा, लेकिन आपको बोलने का सीखना है सही तरीके से। एक बार मैं अच्छे से पढ़ लूँ तो मैं आपको बोल के बता सकता हूँ कि आपको बात कैसे करनी है और समझाना कैसे है। सर टाटा AIA बोलना जरूरी है क्या वर्मा साहब? आप सर टाटा भी बोलेंगे तो चलेगा। हाँ टाटा बोलेंगे, AIA बाद में ऐड करना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर ये तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया है, टाटा ई प्रॉपर्टी करके ही सेल करते हैं। हाँ टाटा ई प्रॉपर्टी दौड़ेगा दौड़ेगा सर, बिल्कुल दौड़ेगा। तो जल्दी इसे देखते हैं, मैंने ये मोबाइल आपके सामने रखा, मैंने ये कैमरा ऑन किया मोबाइल का, सभी को मेरा कैमरा नजर आ रहा होगा, मेरी स्क्रीन दिखनी शुरू हुई कि नहीं आप सभी को? नहीं अभी तो, अभी आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वो आपका लैपटॉप का वो दिख रहा है। लैपटॉप का दिख रहा है ना, मैंने बैक कैमरा नहीं चलाया सर, मैं एक बार सामने स्क्रीन दिखा रहा हूँ ताकि मैं जैसे सामने रख के बोल सकता हूँ और कई बार बिना रखे भी मैनेज कर सकता हूँ। तो उसको हम ये मिनिमाइज किया, मेरे सामने वो मेरी फिगर है, अब मैंने बैक कैमरा कर लिया तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं मेरा बैक कैमरा, सभी को नजर आ रहा है जी सर। अब देखेंगे लोगों को ग्रीन स्क्रीन नजर आ रही है, पहले बैकग्राउंड तो अलग था, अब बैकग्राउंड कुछ अलग नजर आ रहा है, डजंट मैटर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को यहाँ कैमरे में आई कांटेक्ट रखना है, मेरा आई कांटेक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यहाँ अगर मैंने कान में कोई लीड लगा रखी है तो उस लीड को मुझे साइड में छोड़ना पड़ेगा, मुझे लीड के बिना बोलना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कहीं से सुन के पढ़ के फिर बोल रहा हूँ। दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी, अब मैं आपकी आवाज थोड़ा आदि ताकि कुछ बोलना चाहे तो सुन। मुझे क्या करना है, मुझे कैमरे में देखना है, फोटो में अभी बटन मेरा गया हुआ है, मेरा स्क्रीन में एक बार देख लूँ, आप लोगों को स्क्रीन कहाँ नजर आ रहा है, आप मेरी स्क्रीन पूरी देख पा रहे हैं कि नहीं? मोबाइल की स्क्रीन सभी को दिख रही है कि नहीं? दिख रही सर, दिख रही सर, दिख रही है। ओके परफेक्ट, यस यस सर। तो मैंने इसमें क्या किया, मैं और क्लियरली आपको दिखा दूं ताकि आप चीज अच्छे से समझ पाए, ये मेरा फोटो है, फोटो से मैंने इसको वीडियो में लेके जाना है, और वीडियो में मैं क्लिक करूंगा
तो वीडियो में सेल्फी वीडियो भी बनती है और वीडियो में बैक वीडियो भी बनती है कि मैं सामने की तरफ से देखी हूँ। अब मुझे इस फेस आंखों में का इंटरेक्शन इसके साथ रखना है और बॉडी लैंग्वेज हाथ को मूवमेंट करके कुछ वीडियो बनाने का कोशिश करना है इस तरीके से। सभी लोग देख पा रहे हैं, सभी को मेरा हैंड मूवमेंट नजर आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है। मोबाइल में थोड़ा लेट दिखेगा, उसका थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। आपको बस बटन ऑन करना है और अभी बीच में कोई नहीं बोलेंगे, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ आपने बोलना है जैसा आपको आता है। आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, आप प्लान के बारे में भी बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। तो मैं प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बटन दबाया मैंने। नमस्कार दोस्तों, टाटा ने बहुत ही शानदार जबरदस्त प्लान निकाला है ई प्रॉपर्टी के नाम से। 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी सिर्फ 1,20,000 में बुक करें और इंटरेस्ट फ्री ईएमआई अगले साल से पे करें। सिर्फ 11 साल में पेमेंट करने के बाद आपको गारंटेड रेंट मिलेगा 13,000 रुपये अब 13वें साल से। 13,000 रुपये अगले 30 साल तक रेंट मिलेगा और जो आपने पैसा दिया है 14,40,000 रुपये वो भी मिलेगा। टोटल पैसा 46 लाख रुपीज मिलेगा। अब मैंने इसमें क्या गलती करी, मैंने गलती से 13वें साल में बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना था। तो मेरे को क्या है, दोबारा ट्राई कर सकता हूँ, उस वीडियो को मैं नहीं शूट करूंगा। देन आई विल ट्राई अगेन, मैंने जानबूझ के गलती करी, आप लोग भी करोगे। लेकिन कहीं ऐसा लगा कि मैं पढ़ पढ़ के बोल रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे कि नहीं? आप ही का तो फोन है, क्या हो जाएगा, थोड़ी सी मेमोरी फालतू भर जाएगी, थोड़ी सी एनर्जी और एक्स्ट्रा लग जाएगी। लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस बढ़िया होना चाहिए, आप अच्छे से दिखने चाहिए और जो आप बोल रहे हैं वो सही होना चाहिए। दोबारा ट्राई करते हैं फटाफट से, जल्दी से देखते हैं। चलिए, नमस्कार, टाटा एआई का शानदार गोल्डन जबरदस्त ऑफर जिसमें 15 लाख का ई प्रॉपर्टी सिर्फ 1,20,000 बुकिंग में अवेलेबल है, जिसमें इंटरेस्ट फ्री ईएमआई है और वो भी अगले साल से सिर्फ 10,000 रुपये महीना, और इसमें गारंटेड 13,000 रुपये महीना रेंटल मिलेगा अगले 30 साल तक, और मैच्योरिटी पर यानी कि 30वें साल पर आपको 14,40,000 रुपये मिलेंगे। टोटल पैसा आपका 44 लाख रुपये मिलेगा। इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी कॉल करें, धन्यवाद। 100% सर, अच्छा लगा। कैसा लगा सर, कुछ मैंने ट्राई किया, मैंने कुछ अलग तरीके से बोला। सर ये कैसे किया, मैं आई कांट अंडरस्टैंड, समझ नहीं पाई हूं मैं सर इसको। मैंने याद किया हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है बार बार बहुत बार। आपको भी करना है, आप मैं एक बारी में कर पाया, आप हो सकता है 4 बारी में कर पाए, हो सकता है 5 बारी में कर पाए। चलो वीडियो चला के दिखाऊं तो समझ में आएगा आपको। नमस्कार, टाटा एआई का शानदार गोल्डन जबरदस्त ऑफर जिसमें 15 लाख का ई प्रॉपर्टी सिर्फ 1,20,000 बुकिंग में अवेलेबल है, जिसमें इंटरेस्ट फ्री ईएमआई है और वो भी अगले साल से सिर्फ 10,000 रुपये महीना, और इसमें गारंटेड 13,000 रुपये महीना रेंटल मिलेगा अगले 30 साल तक, और मैच्योरिटी पर यानी कि 30वें साल पर आपको 14,40,000 रुपये मिलेंगे। टोटल पैसा आपका 44 लाख रुपये मिलेगा। इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी कॉल करें, धन्यवाद। अपना ब्रांड बनाना वॉइस लेकिन थोड़ा मिसप्रिंट हो रही थी सर, वॉइस इसलिए मिसप्रिंट हो रही थी, लिप नहीं लगा रहा था, लिपसिंक थोड़ी गड़बड़ हो रही है ना। नहीं, ये वीडियो में मोबाइल में मेरे पास सही आ रहा है। अच्छा, पीछे हो रहा है क्योंकि वी आर कनेक्टिंग थ्रू वायरलेस। ओके, मैं आप लोगों को जब ये वीडियो भेजूंगा तो आपको करेक्ट आएगा, प्रॉपर आएगा। और मुझे इसको कहाँ लगाना है, मुझे फेसबुक में अपना स्टोरी लगाना है, मुझे कहाँ लगाना है, अपना न्यूज में लगाना है, न्यूज फीड में लगाना है, और कहाँ लगाना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, स्टेटस लगाना है, यस सब जगह लगा सकते हैं आप इसको, जहाँ चाहे वहां लगा सकते हैं। अभी ये पुराना चल रहा है, इंस्टा पे भी लगा सकते हैं, एवरीवेयर
इंस्टा पे हर जगह जितने भी शॉर्ट रील्स है सब जगह लगा सकते हैं, अपना नंबर भी बार बार बोल सकते हैं और भेजने से पहले इसमें अपना नाम नंबर भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए एक ऐप आता है जिसका नाम है काइन मास्टर, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और वो मोबाइल से ही उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। कहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लगाना है, कहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है, कहाँ पर लोगों से जूम मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करनी है, सब कुछ वहाँ पर कर सकते हैं। देखो वो मैं नहीं करता हूँ, आपको खुद से करना पड़ेगा, मैं गाइड कर सकता हूँ क्योंकि मैं टाइम मास्टर, और यूट्यूब में आराम से मिल जाएगा उसका लिंक। अच्छा कितने लोगों को ये आइडिया समझ में आया, बहुत मुश्किल है क्या? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आइडिया है सर, इससे कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट होगा सबका सर, जो एजिटेशन है वो भी खत्म होगा इससे सर। जो हमें बोलना है, जिसके बारे में हम लोग लोगों से मिलने वाले हैं, हमें तो काम यही करना है, कर तो इससे खतरनाक चीज क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देख के बोलना है सर, अच्छे से बोला तो उसको शूट कर दो, नहीं अच्छे से बोला चलो जी दूसरा शूट करते हैं, तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं। अगर 10 बार भी कर लोगे तो एक तो सही होगा, यस और नो? पूरा पूरा ऑप्शन है सर रीटेक का। हाँ रीटेक हर बार है, हर बार रीटेक कर सकते हैं, तो इज इट गुड और बैड? वेरी गुड, वेरी गुड। कोई नुकसान है इसमें? कहीं किसी की खत्म हो जाएगी, मोबाइल की लोडिंग खत्म हो जाएगी सर? बहुत वेरी गुड है सर। नहीं सर, ये करते करते ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है सर, ये आदमी को सर। हम सेल्फी फोटोज बहुत देखते हैं, सेल्फी वीडियोस नहीं देखते हैं, अपनी नहीं देखते हैं, बनाते नहीं, हमें डर लगता है, पता नहीं हम कैसे दिखेंगे, लोग हमें कैसे रियलाइज करेंगे। हाँ, ये गलत है सर, आप जैसे हैं वो हैं, आई एम द बेस्ट। जब तक ये वर्ड अपने आप से बार बार नहीं बोलेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। देखो बॉसेस कोई भी अच्छे हो सकते हैं, मेंटर कोई भी अच्छे हो सकते हैं, ट्रेनर अच्छे होने ही चाहिए, नहीं तो आप सीख ही नहीं सकते। लेकिन जब आप अपने से कंपैरिजन किसी को करते हैं तो आप ही सबसे अच्छे होते हैं, आपके बाद कोई और अच्छा नहीं होता है, चाहे वो एजेंट में हो, एडवाइजर में हो, फाइनेंशियल प्लानिंग में हो, या कस्टमर के सामने धंधा करने में हो, बिजनेस करने में हो, यू आर द ओनली बेस्ट। ये हमें खुद से अपने आप को समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आई एम द बेस्ट। अपने आप को मेंटर में प्रैक्टिस करना सर, ये मेंटर होना अपन है अपने आप। ये आसान नहीं है सर, आसान नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत साल लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अपने आप को हर रोज कुछ भी नया करते वक्त बोलना, प्रैक्टिस, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट कहने से ना हमारा दिमाग हमारा साथ देता है, हमारा दिल हमारे साथ रहता है, वो बोलता है कि यस जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो। मैं भी हर बार ट्रेनिंग में आता हूँ, मैं हर बार नया होता हूँ, मुझे भी डर लगता है कि पता नहीं मैं इतने लोगों को एड्रेस कर पाऊंगा कि नहीं, कभी इतने लोग मेरे साथ कनेक्ट हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन जब मैं अपने आप को समझाता हूँ कि आई कैन डू इट, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, हो जाता है सर, मुझे भी नहीं पता कैसे होता है। आप लोगों को भी ये करना है सर, कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। आई होप सभी को आइडिया समझ में आया, यूनिक है, डिफरेंट है, यूज कर सकते हैं कि नहीं? यस यस सर, कर सकते हैं सर, अच्छा है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा है, बढ़िया करना है सर। और आप अपने ब्रांड के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सही तरीके से चालू हो गए तो कोई आपको पीछे नहीं कर सकता, किसी को ना किसी ब्रांड की जरूरत नहीं होती, सच्चाई बताऊं, चाहे आप हेल्थ बेच रहे हो, लाइफ बेच रहे हो, मोटर बेच रहे हो, कस्टमर को ना आपकी फेस वैल्यू चाहिए होती है, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे डील करते हो, आपके अंदर कितना दम है, आप उनको सर्विस दे पाओगे कि नहीं, उन्हें आपसे सर्विस चाहिए होती है, उन्हें आपकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। और लाइफ में सबसे अच्छी चीज क्या है दोस्तों, लाइफ में सर्विस ही नहीं है, कितने लोग मानते हैं, बहुत ना के बराबर सर्विस है लाइफ में, जितनी मेहनत हेल्थ में है उससे 10 गुना कम मेहनत लाइफ में, यस और नो? यस सर, यस सर, 10 गुना कम मेहनत, यस सर, सबसे ज्यादा लाइफ में, सबसे ज्यादा पैसा लाइफ बिजनेस में, और हम लाइफ बिजनेस को सेकेंडरी बिजनेस समझते हैं, ठीक है कभी कर लेंगे, मैं भी समझता था, मैंने भी गलती की बहुत साल, अगर मैं पहले लाइफ में होता तो आज बहुत आगे बढ़ गया होता, मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है लाइफ में वर्किंग करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँ सभी से पार्टिसिपेशन रहेगा, सभी लोग पूरा पूरा एफर्ट लगाएंगे, और ये जो 2 महीने हैं
उसमें आप बड़े बड़े वॉल्यूम उठाने की कोशिश करेंगे और इस प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट को ना मार्केट में धूम मचा दीजिए, बड़ी बड़ी वर्किंग कीजिए बिंदास होके, बिना हेजिटेशन के। कोई लेगा ठीक है, नहीं लेगा तो ठीक है, ये नहीं और सही, और नहीं और सही, इस पर हमें काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करनी है। अगर आप मीटिंग वैसे नहीं कर पा रहे तो आप मेरे पास लेके आइए, मैं आप लोगों के लिए आपके कस्टमर को क्रैक करके दूंगा। आपके किसी भी कस्टमर को इस कॉन्सेप्ट में समझाना है तो आई कैन डू इट फॉर यू। दो चार बार मेरे से करवा लीजिए, फिर खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर जूम पे ला सकते हैं तो। आई हैव ऑप्शन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग आप ही का होगा, पैसा आप ही को आएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ क्वेरी है तो जल्दी से बताइए, नहीं तो आज के लिए क्लोज करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया, माफ़ी चाहूँगा, सवा नौ हो गया आज, मुझे भी थोड़ा जल्दी जाना था। आई होप क्लियर है सभी को। अभय जी आप क्लियर है? क्लियर क्लियर है, थैंक यू। सब क्लियर है सर, 9:22 हो गए, 9:15 नहीं हुए। हाँ ज़्यादा हो गए। चलिए सर आज के लिए फिर, तो मेरी रिक्वेस्ट सभी को ध्यान रहेगी तो आपका सभी का कम्युनिकेशन आएगा। मुझे व्हाट्सएप पे फीडबैक, जेन्युइन फीडबैक चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रेनिंग्स को अटेंड करें।